मुझे समझ में नहीं आता तुम चाहती क्या हो। जब हमारे पास कुछ नहीं था, घर बार नहीं था, पैसा नहीं था, तब तुम्हें मुझे कहा था कि पंचगली जाकर ये जॉब ज्वाइन कर लो, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। और अब जबकि हमारे पास सब कुछ है, घर बार है, पैसा है, एक प्यारा सा बच्चा है, तब भी तुम खुश नहीं हो, क्यों? देखो निशा, जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता है, ओके? कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तुम समझती क्यों नहीं ये बात?